हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सब खेल तो बहुत खेलते हैं बचपन से, लेकिन बड़ों के खेल को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस खेल में आखिर मैं कौन हूँ, रानी या प्यादा? काश मैं समझ पाती। और हाँ, मैंने अपनी बीवी जानवी को मारा था। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि एक आदमी आता है कैमरे के सामने अपनी बीवी का मर्डर कबूल करता है और चला जाता है? जी सर, देखिए ना, अभी आपके आंखों के सामने है सर। हमने जैसा कि आपको बताया कि हम कानपुर में एक छोटा केबल चैनल चलाते हैं, मॉडर्न टेलीशॉपिंग चैनल। हमने कल एक नए प्रेजेंटर के लिए ऑडिशन रखा था, आगे का ये आलोक बताएगा। हम तो क्या डे टू डे देखते नहीं है, हाँ यही सब कुछ मैनेज करता है। बताओ आलोक। अरे भाई, हमें क्या देख रहे हो, जो तुमने कल देखा बताओ साहब को। जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आज हम लाए हैं डील ऑफ द डे सिर्फ आपके लिए, 5 साड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ 999 में। ओके कट, वेरी गुड शॉट, बहुत अच्छा किया शाली। थैंक यू यार। अभी कितने और बाकी हैं लोग ऑडिशन के लिए? 3 लोग और हैं, रुको मैं बुलाती हूँ। यार नेक्स्ट। जी आई। हेलो। हाय। हेलो हेलो। अरे कहाँ जा रहे हो? आपकी एज क्या है? मतलब हम लोग 25 से 30 के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अरे अरे Don't worry, कोई बात नहीं। भाई साहब फिट नहीं है। अरे आप कैमरा चालू तो करो, मेरी परफॉर्मेंस देख के आपके बॉसेस इंप्रेस हो जाएंगे। एक्शन। मैं संजय त्रिपाठी आज आपके लेकर आया हूँ इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर, 5 बनारसी सिल्क की साड़ियाँ। और ये साड़ी की सारी साड़ियाँ आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपए में। ओके कट। क्या सर, बहुत अच्छा शॉट था। और हाँ, मैंने अपनी बीवी जानवी को मार दिया। इसके बाद जब मैं उसके पीछे भागा तो वहां से जा चुका था, और फिर ये बात मैंने सर को बताई और सर ने रिपोर्ट करने को कहा। आप लोगों के पास संजय त्रिपाठी का नंबर तो होगा ना, आपने फोन किया होगा ना उसे? नहीं सर, हमने सोचा कि आप जो कहेंगे बस वही करेंगे। ठीक है, आप ये संजय त्रिपाठी का नंबर बाहर लिखवा दीजिए और ये ऑडिशन की सारी रिकॉर्डिंग भी सबमिट कर दीजिए। जी सर। सर ये बड़ी अजीब रिपोर्ट है, क्या ये केस आपको जेन्युइन लगता है? कुछ कह नहीं सकते शर्मा, शायद ये इस आदमी का पब्लिसिटी स्टंट। आजकल लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के स्पेशल अध्याय में। ये कहानियाँ ऐसी औरतों की हैं जो आपके और हमारे बीच में रहती हैं। जानवी भी एक ऐसी औरत है जो अपने परिवार के लिए सपने देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। अभी बताता हूँ तेरे को। ओए बच गया शैतान। क्या हुआ, बात बनी कुछ? कल का अपॉइंटमेंट मिला है। शुक्र है, पर मैंने ऐसा सोच लिया था अगर कानपुर वालों को हमारे प्रोडक्ट की कदर नहीं है ना, हम कहीं और जाके ट्राई करेंगे। पर इतनी वैल्यू जो है हमारे प्रोडक्ट की, ये भी। इसे एक बात बताओ, तुम अच्छे से समझा दोगी ना? हाँ, डेमो अच्छे से देना। हाँ हाँ पक्का। एक काम करो, प्रैक्टिस कर लो ना। मैं समझाता हूँ। अरे बहुत इजी, देखा मैं क्लाइंट बनता हूँ इसको। संजय मैं अभी प्रैक्टिस करूँ या खाना बनाऊँ? अरे सुनो ना जान, संजय सर मत खाओ, इतना ही टेंशन हो रहा है तो तुम खुद जाओ और खुद बेचो। अरे जानवी समझो ना, लेडीज का प्रोडक्ट है, मैं कैसे, मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और फिर मेरा काम कौन करेगा, तुम समझना। संजय देखो। शांत जानवी शांत। संजय तुम भी शांत हो जाओ। बे चुप, इतनी बार बोला तेरे को, मम्मी और पापा बोला कर। शैतान। हेलो ब्रेक, जल्दी करो।
आराम से आराम से। ना लेट क्यों किया? ना लेट कहाँ किया, जल्दी तो हूँ। अच्छा शाम को मुझे पार्क के पास मिल जाना, मेरे को घर ड्रॉप करके तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके बाय मामा। बाय। सर संजय त्रिपाठी का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है और नंबर कल्याण नगर के एड्रेस में रजिस्टर्ड है। मैं भी ऑडिशन का फुटेज देख रहा था, मुझे कुछ खास मिला नहीं, तुम्हें कहीं से कुछ और मिला? सर हमने कल्याण नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया तो वहाँ से खबर आई कि ये आदमी संजय वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी आया हुआ था और सर कल्याण नगर पुलिस स्टेशन से केस इंचार्ज PSI राकेश आए हुए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। बुलाओ। बोलिए। सर एक महीने पहले की बात है, ये आदमी संजय हमारे पुलिस स्टेशन आया था। सर सर मेरी बेटी को उठा के ले गए सर, सर प्लीज उसे बचा लीजिए सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज प्लीज। बताइए कौन उठा के ले गया? सर वो गाड़ी बहुत तेजी से निकली, मैं नहीं पहचान पाया कौन थे वो लोग, मैंने पीछा करने की कोशिश भी की। कौन सी गाड़ी थी? सर एक वैन नीले रंग की। क्या नाम है आपकी बीवी का? जानवी त्रिपाठी। सर मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एक सब्जी काटने वाली। जानवी जो है उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राजेश मार्केटिंग के ऑफिस गई थी आज सुबह। क्या उसकी किडनैपिंग वहीं से हुई है? नहीं वहाँ नहीं सर, उसके ऑफिस के पास में ना एक पार्क है, मैं वहीं से उसे पिक करने वाला था। हम अपनी इंक्वायरी शुरू कर दें, जैसे कुछ पता चलेगा तुरंत इन्फॉर्म करेंगे आपको। और सोचा था कि मैं मम्मी से बात कर लूँ हमारे शादी के बारे में, और काम तो मैं कर ही रहा हूँ। ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग ना सबसे तेज दौड़ता है, और तुम इतना फास्ट कैसे बोल लेते हो? मैं बोल रहा था कि मैं हमारी शादी की बात करूंगा मम्मी से। अरे बट मैंने अभी तक हाँ बोला ही नहीं है, और मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ और वो चाहते है कि मैं किसी इंजीनियर या डॉक्टर से शादी करूँ। अरे लेकिन वो तो तुम्हारे पापा चाहते, वो तो तुम्हारे पापा चाहते हैं ना, तुम क्या चाहते हो बताओ। जानवी कहाँ था तू? कितने कॉल किए मैंने तुझे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? जानवी I'm really sorry, मम्मी ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। क्या? मेरे लिए रिश्ता भी आया लंदन से और साथ में जॉब का ऑफर भी आया। तुम्हें बता यार मैं क्या कर सकता हूँ? देख तेरी मम्मी ने तुझे जन्म दिया, बड़ा किया, तू अपनी मम्मी की सुन ले। मिस्टर राजेश? यस। ये आई थी? हाँ सर ये यहाँ पे आई थी कोई प्रोडक्ट लेके, लेकिन इसे आपने धक्के मार के निकाल दिया था। आइए। सर ये प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड ने बनाया, मार्केट में नया आया है और बहुत ही आसान हो गया अब सब्जियाँ काटना। कुछ नहीं करना है, बस सब्जियों को ऐसे छोटे टुकड़े में काटना है, ये डाल दिया, ये बंद करना इसे अच्छे से, और बस सिर्फ खींचना है सर। ये देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया है सर। क्यों टाइम वेस्ट कर रही है मैडम आप? ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अभी, और ये छोटी सी मॉडिफिकेशन से क्या होगा? ये तो चोरी हुई ना, और वैसे भी ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेके जाओगे कॉपीराइट के लिए जेल जाओगे आप।
आप एक बार देखिए तो, मैं आपको बता रही हूँ कितना आसान हो गया। देखिए ये मैडम प्लीज, आपके जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे ऑफिस में। अपने हस्बैंड को कहिए कुछ अच्छा नया ओरिजिनल बनाए। सर देखिए, मेरे छोटा सा बेटा है, हम उसे अच्छे स्कूल भेजना चाहते हैं। आप प्लीज एक बार देखिए ना। तो मैडम आप जाइए यहाँ से। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बता सर। बेटा संजय त्रिपाठी इधर ही रहते हैं। आप कौन बेटा? अपुन उनका लड़का, ब्रिज त्रिपाठी। ब्रिज, ये कैसा नाम है? वैसे तो अपुन का नाम ब्रिज है, लेकिन जब अपुन छोटा था, जब अपुन खुद को ब्रिकेज बोलता था। पापा कहाँ बेटा? वो लोग कल रात से घर नहीं आए हैं और इनका फोन भी नहीं लग रहा है। आतोष, बेटा आप यहाँ अकेले हैं या कोई रिश्तेदार है आपके साथ? हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, मुंबई से हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन? मेरा नाम राम कुमार है, मैं इन लोगों का मकान मालिक हूँ। ये लोग मेरे इस घर में किराए पे रहते हैं। देखो ये लड़का यहाँ अकेला है, जब तक हम इसके माँ बाप को ढूंढ नहीं लेते या फिर इसके किसी रिश्तेदार को मुंबई से बुला नहीं लेते, ये यहीं रहेगा। क्या वो लोग मुझे छोड़ के चले गए? बेटा फिक्र मत करो, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, बच्चा अकेला है, ख्याल रखना। यादव संजय ने सबसे पहले तो कंप्लेन फाइल की और फिर खुद ही गायब हो गया। अगर इस केस में ये दोनों माँ बाप नहीं मिले ना, यानी कि संजय और जानवी, तो पता नहीं इस बच्चे की कस्टडी का क्या होगा। ऊपर से उसके सर ये केस क्लोज कर दीजिए, मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ सर। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है सर, दरअसल ये कानपुर शहर ही हमें रास नहीं आ रहा है सर, हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अब प्लीज कंप्लेन वापस ले लीजिए सर। देखिए संजय जी, जब तक आप हमें साफ साफ नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये चोट कैसे लगी आपको? जो कुछ भी है साफ साफ बताइए, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। सर जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी, मेरी बीवी वापस आ गई है। एक काम कीजिए, आप घर जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, कल वापस आइएगा और बताइएगा कि करना क्या है। फिर सर दो दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आई। तीसरे दिन मैं उसके घर खुद गया, तब पता चला कि वो ऑलरेडी उसके परिवार के साथ घर छोड़कर मुंबई चला गया। उसके आसपास के लोगों से सर पूछताछ भी की, पर उन्हें भी संजय और जानवी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सर मैं एक दूसरे मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया, तो एज पर प्रोसीजर फाइनली मैंने ये केस क्लोज कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये शायद मुंबई गया ही नहीं, और अगर गया भी है तो वापस आ गया। मतलब संजय ने अपनी बीवी को मार डाला, इतना नाटक किया और सब सच बोलकर चला गया। कुछ कह नहीं सकते शर्मा, क्योंकि अब तक हमें लड़की की लाश नहीं मिली, और वैसे भी कोई इस तरह का पब्लिक कन्फेशन करेगा क्यों? एक काम करो, संजय और जानवी दोनों के फोटोग्राफ्स कानपुर और मुंबई पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ, उन दोनों के नंबर्स को ट्रेस करवाओ। कानपुर के नंबर्स अगर मुंबई में एक्टिवेट हैं या होते हैं तो हमें ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। संजय अगर कानपुर आया होगा तो या तो अपने बेटे को साथ लेकर आया होगा या फिर उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ कर आया होगा। क्या हो गया ये सब? सब बर्बाद हो गया। सर मुंबई से इन्फॉर्मेशन आई है, चेंबूर पुलिस स्टेशन से, वहाँ भी जानवी त्रिपाठी की फोटो मिसिंग रिपोर्ट में रजिस्टर्ड है, पर वो रिपोर्ट मिसेज जानवी चतुर्वेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मिसेज जानवी चतुर्वेदी? जी सर, कोई डॉक्टर अनुज जानवी के हस्बैंड, चार साल पहले उन्होंने जानवी की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई। और सर ये जानवी का फ़ोन दो दिन पहले मुंबई में ऑन हुआ, नंबर अलग है पर फोन का IMI नंबर वही। चार साल पहले? लेकिन संजय और जानवी का बेटा ब्रिक, वो तो करीब 10 साल का है ना। शर्मा फोटो पक्का एक ही औरत की है? जी सर। कमाल है, अब तक हम लोग उस संजय त्रिपाठी की तलाश कर रहे थे जिसने अपनी पत्नी जानवी के गायब होने की रिपोर्ट 1 महीने पहले दर्ज की थी, और फिर उसी जानवी को मारने का दावा चालू ऑडिशन में किया था। अब ये नहीं गूगली,
कि उसी जानवी के मुंबई में किसी और दूसरे पति ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की है, और वो भी 4 साल पहले। शर्मा, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन और कहाँ है ये संजय, अब सवाल ये भी है कि कौन और कहाँ है ये जानवी। अनुज जी, कहिए। इंस्पेक्टर राजेंद्र त्रिवेदी, कानपुर। प्लीज कम, आप ही ने फोन किया था, आइए। आप कह रहे थे यू हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन माय वाइफ। आपकी वाइफ या फिर आपकी एक्स वाइफ? मतलब मेरा और जानवी का डिवोर्स नहीं हुआ है? तो फिर हमें उम्मीद है मिस्टर अनुज के बजाय हम आपको कोई इंफॉर्मेशन दें, आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि लगता है कि जानवी कानपुर छोड़कर वापस यहां मुंबई आ गई है। कानपुर? मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो कानपुर में है, मैं कुछ समझा नहीं। हम आपको सब कुछ बता दें मिस्टर अनुज, पर उससे पहले हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें ये बताइए कि जानवी गायब हुई थी तब आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 12 साल हुए थे। वो 4 साल पहले गायब हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि हमारी शादी को 16 साल हो गए। जब वो गई थी तो हमारा बेटा 11 साल का था, अभी वो 15 साल का है। आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी सर, पर जितने साल भी हम साथ थे हम बहुत खुश थे। फिर ऐसा क्या हो? देखिए, अगर आप यही सब चीज़ें पूछना चाहते हैं तो मैं 4 साल पहले पुलिस को ये सब बता चुका हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फाइल में मिल जाएगी। एनीवे, मुझे निकलना है, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि आप जानवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने आए हैं। इम्पॉर्टेंट बात है मिस्टर अनुज, क्योंकि हो सकता है कि जानवी का मर्डर हो गया। चलिए, अगर हम आपको ये बता दें कि जानवी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका एक 10 साल का बेटा था, तो मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई, वो कोई दूसरी औरत होगी। इन 4 सालों में आपके बीवी जानवी के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा? जी नहीं। आप कभी कानपुर गए या वहां किसी को जानते हैं? जी नहीं। आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। देखिए, मुझे लेट हो रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? आपका बेटा विहान, विहान ही नाम है ना उसका, कहाँ है वो? हमें उससे बात करनी, क्योंकि हो सकता है कि जानवी ने उससे संपर्क करने की कोशिश की हो। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है अपने दोस्त के साथ। उसका नंबर दीजिए। और हमें एक फोटो दिखाइए जिसमें आप, आपकी बीवी जानवी और आपका बेटा विहान तीनों की फोटो। सर, आपने जिस फाइल की रिक्वेस्ट की थी वो ये। बैठो सुषमा, इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि बेटे के इश्यूज की वजह से वो कुछ डिप्रेस थी और फिर 2 दिन पहले कुछ काम के लिए बाहर गई और वापस आई नहीं। जी सर। ये जानवी के कोई और परिवार वाले भी हैं? सर, जानवी के फादर थे, लेकिन जानवी की शादी के बाद उनकी डेथ हो गई। और उसका जो फोन ऑन हुआ था वो ट्रेस हुआ? सर, वो दादर में ऑन हुआ था, लेकिन जब तक हमारी टीम पहुंची फिर से उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या ये मुमकिन है कि जानवी अभी जिंदा और मुंबई वापस आ गई? उधर जानवी का अपहरण, उसके पति का मर्डर कन्फेशन, जानवी की लाश का अभी तक न मिलना, उसके 2 बेटों और 2 शादियों का राज, जानवी की हिस्ट्री को समझ में नहीं आ रही। एक काम कर, जानवी के पहले पति अनुज और उसके बेटे विहान के कॉल रिकॉर्ड चेक करते और ये पता करते हैं कि जानवी ने उन्हें हाल ही में कांटेक्ट करने की कोशिश की है या नहीं। सर, क्या ये हो सकता है कि जानवी के पति संजय को पता चल गया हो कि वो अपने पहले पति से प्यार करती है और वापस जाना चाहती है, इसीलिए संजय ने उसे मार दिया हो? या ये भी हो सकता है कि वो अपने पहले पति अनुज के पास गई हो और उसी ने कुछ कर दिया हो। सकता है। और ये भी हो सकता है कि कहानी कुछ और ही। सबसे पहले कल हमें विहान का कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि डॉक्टर अनुज के मुताबिक विहान को कुछ नहीं पता, तो देखते हैं कि विहान अपनी माँ के बारे में क्या कहता है। और हाँ, संजय और ब्रिक की खोज जारी रखो। हाँ, थोड़ा प्लेट नीचे नीचे। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, ये सही है। ओके, रेडी? शालिनी, टेक करें। हाँ। शाम, रोल कर, लेफ्ट से आना आपके। एक्शन। ऐसी धमाकेदार ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगी। कट। वेरी गुड शालिनी। हेलो, क्या चल रहा है? हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। जी सर। कैसे हो शालिनी? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? ठीक है, कैरी ऑन। हाँ जी, बताइए, आइए। हेलो सर। हाँ सर, क्या ये सच है कि इसी स्टूडियो में ऑडिशन देते वक्त एक आदमी ने मर्डर कन्फेस किया था? जी, इसके बारे में तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस ने मना किया है। और दूसरी बात, आप ये जरूर लिखिएगा कि ये जो हमारा चैनल है, मॉडर्न टेलीशॉपिंग चैनल, आपको यहाँ पे तरह तरह की डिजाइन दिखेगी। सर, एक फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। एक्सक्यूज मी ऑल ऑफ यू। हाँ,
एक मिनट देना हमें। हाँ आइए। हाँ कैसे मिलिए? ये हमारी प्रेजेंटर शालिनी। हाँ है ना शालिनी? जी सर, मैं पुणे में हूँ अपने फ्रेंड के साथ। क्या मेरी माँ मिल गई है? देखो तुम्हारी माँ अब तक मिली नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि इन चार सालों में तुम्हारी माँ ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर हाल ही में कभी? नो सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ अजीब हुआ था जो तुम्हें याद हो जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने घर छोड़ दिया हो? जाने दीजिए ना सर, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। सर आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है। विहान प्लीज देखो नेटवर्क में आओ, मुझे तुमसे और बात। हेलो विहान। हेलो। ये क्या कर दिया तुमने जानवी? विहान को स्कूल से सस्पेंड करा दिया? एक ही बेटा है हमारा, क्या असर पड़ेगा उस पर और उसके करियर पर? और जो उसने किया उसका क्या? अभी छोटा है, 12 साल का भी नहीं हुआ, अभी से रोक लगानी पड़ेगी वरना और बिगड़ जाएगा। और वैसे भी मैंने उसका सब बंद करा दिया, इंटरनेट टीवी सब। बताओ भला इसकी उम्र में हमें जानकारी थी ये सब के बारे में? अरे जो भी हो हम समझाएंगे ना उसे। मुझे बताया भी ना तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसे सस्पेंड करवाना है? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। देखिए अनुज, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है, लेकिन इस बार बात अलग है। विहान को समझ भी नहीं है कि उसने क्या किया। सिर्फ 11 साल का है वो अनुज, क्या उसे रत्ती भर भी समझ है कि एक आदमी और औरत के संबंध के बारे में? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसके साथ होमवर्क करने आई थी वो लड़की, बाहर रोककर गई है इस घर से, उसकी शर्ट फटी हुई थी। क्या इसका मतलब समझते हैं आप? क्या हैंडल कर लोगे आप? ठीक है जानवी, जो हो चुका वो हो चुका, अब कहाँ है वो? अंदर कमरे में। कौन है ये जानवी? एक माँ, एक बीवी या एक धोखेबाज? ऐसा क्या हुआ कि जानवी, एक सीधी साधी लड़की जिसकी जिंदगी से उतनी ही उम्मीदें जितनी कि एक आम लड़की की होती है, आज वो एक पहेली बनकर रह गई थी? जानवी जिंदा है या नहीं? क्या संजय को जानवी की शादी के बारे में पता लगा और उसने उसे मार डाला? या कहानी कुछ और है? जानवी शिकार है या खिलाड़ी? क्या जानवी मुंबई आ गई थी और संजय कहाँ था? और अगर जानवी मुंबई में थी तो संजय ने उसे मारने का पब्लिक कन्फेशन क्यों किया? पुलिस के पास सवाल बहुत थे और जवाब उतने ही कम। सर ये है जो जानवी के फोन के साथ पकड़ा गया है। अरे विहान कैसा था ट्रिप? पुलिस का फोन आया था। तो क्या बोला तूने? कुछ नहीं, लेकिन आप कब तक झूठ बोलते रहोगे? क्या मतलब है तेरा? पूरी दुनिया और पुलिस को भले ही आप बोलते रहो कि माँ ने घर छोड़ दिया था, लेकिन हम दोनों को पता है क्या हुआ था उस रात। और कोई रास्ता नहीं है। ये पैसे रख लो, हमें विहान के बारे में सोचना है। वैसे भी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इस इंसिडेंट के बाद। और हाँ जानकी, वापस आने की कोशिश मत कर, नहीं तो आपने ही तो मम्मी को जाने के लिए कहा था ना, और तब से आप मुझे ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे मेरी वजह से मम्मी ने घर छोड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है विहान, जो दुनिया को पता है वही सच है। तुम पुलिस से कुछ नहीं कहोगे। एक बात पूछूं, क्या मम्मी ने आपको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? चाहिए मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना मैम, एक रात का 600 रुपया रहेगा। आपको कितने दिनों के लिए चाहिए? पता नहीं, मेरे विहान को सुरक्षित रखना भगवान। हेलो
अजी आपने पेपर में ऐड दिया था। सर डॉक्टर अनुज और विहान के फोन रिकॉर्ड में कुछ भी इरेगुलर नहीं था, और मुंबई में संजय और जानवी कहाँ रहते हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। फैमिली को हम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, कैसे मुमकिन है? सर मुंबई में संजय त्रिपाठी नाम के बहुत से लोग हैं, हम सबकी छानबीन कर रहे हैं। सुन, मैं नया आया इधर, मैं और मेरा बाप उस घर में रहते हैं। अच्छा, और तेरी माँ आएगी? वो क्या है ये सब, आलोक कहाँ है? 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती ये सब। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आलोक को फोन करती हूँ। 1 मिनट बस। मिरर देना। वो आलोक का फोन नहीं लग रहा है, बस उसे आज थोड़ी देर हो गई। 2 घंटे हो गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है यार? हम बाहर से सब देख रहे हैं, आज सेशन इतना लेट क्यों चल रहा है? सर वो सर आलोक अभी तक नहीं पहुंचा है, और कब से हम उसे फोन मिला रहे हैं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हमें भी उसने फोन नहीं किया है। हेलो, ठीक है हम अभी निकलते हैं, हमें कानपुर के लिए निकलना होगा। वहां वो चैनल वाला लड़का आलोक, उसकी डेड बॉडी मिली, इट्स अ मर्डर। सुषमा तुम संजय और जानवी की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जारी रखना, कोई भी डिटेल मिले हमें तुरंत अपडेट करना। और हाँ, डॉक्टर अनुज और उसका बेटा भैया, उस पर भी ध्यान रखना। ओके सर। चलो क्या चल रही है तेरे स्टूडियो में, ये यम लीला कैसी चल रही है? बोल कौन है ये संजय त्रिपाठी और जानवी त्रिपाठी? पहले एक आदमी तेरे स्टूडियो में आता है, हत्या की बात को कबूल करता है, फिर एक स्टूडियो अटेंडेंट आलोक जिसे तू ही हमारे सामने लेकर आता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और तू अभी भी दावा कर रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता। तू नहीं जानता संजय त्रिपाठी और उसकी बीवी जानवी त्रिपाठी को, तुझे ये भी नहीं पता है कि वो लोग कहाँ है या है भी या नहीं, बोल। अरे सर हम सच कह रहे हैं सर, हमने ये भी सुना है कि तुझे अलग अलग महिलाओं के साथ संपर्क बनाने का शौक है, कहीं इस पूरी बात का राज उसी में तो नहीं छुपा है? सर ये क्या कह रहे हैं, ये सब अफवाह है सर, हम कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं पता। देख अब तक तूने ना बड़ी सफाई से अपने कदमों के निशान को छुपा कर रखा है, बहुत बेच लिए तूने स्टाइलिश कपड़े, अगर तेरा झूठ पकड़ा गया ना तो तेरे पास कैदी की वर्दी बेचने के अलावा और कुछ नहीं होगा, और उस वर्दी की मॉडलिंग भी ना तुमसे ही करवाएंगे। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर। केस से तो घुमा के रख दिया है, आलोक के मर्डर की सारी डिटेल्स निकलवाओ, वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किससे मिलता था, कितनी बार मिलता था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, वेयर अबाउट, सब कुछ, एंड आई वांट इट नाउ। सर जानवी यार मैं पक गई, आजकल इतना लेट हो जाता है ना ट्यूशन से, शाम हो जाती। अच्छा सुन ना, तूने उसके बारे में क्या सोचा है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों, बता ना। मैं नहीं बताऊंगी तुझे। मैं नहीं। ये क्यों भैया? मेरी शादी पक्की हो गई है। मैं दो लूं? दो नहीं, तीन लीजिए, तीन लीजिए, लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। नहीं थैंक यू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ। सब कुछ ट्राई कर लिया, पापा जिंदा होते तो बात और थी, लेकिन क्या पापा भी समझ पाते कितने प्यार से बड़ा किया था मुझे? क्या अनुज सुनने को तैयार होगा? और मेरा विहान, मेरा बच्चा, क्या हो रहा होगा उसके साथ? किसको क्या जवाब दूंगी मैं?
मैं कहाँ जाऊँ? जी मैम, आपको रूम आज ही खाली करना पड़ेगा क्योंकि आपने 10 दिन से पेमेंट नहीं किया। जानवी, ये क्या हाल बना रखा तुम? अरे कैसे हो गया ये सब? अरे मैं हूं, मुझे नहीं पहचाना। संजय, संजय? हाँ मैं संजय। ये क्या हाल बना रखा तुमने? एक काम कर, चल मेरे साथ घर चलो, आराम से चल के वहां बता। संजय तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बाहर गया था ना? आराम से बताऊंगा सब कुछ। भगवान ने हमें वापस मिलाया है ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं। सर, मुंबई से ऐसा सुषमा का कॉल आया था। संजय त्रिपाठी के बारे में एक इंफॉर्मेशन उनके हाथ लगी। उन्हें एक आदमी मिला जिसकी शक्ल संजय से मिलती है। समझ नहीं रहा, लेकिन मेरे पापा देख, कोई नहीं समझेगा, बोलेंगे कि सब हमारी वजह से हुआ है। संजय से बात करके देखती हूँ, कुछ तो हेल्प कर देगा वो। ठीक है। सर, संजय त्रिपाठी काफी वक्त तक इंडिया से बाहर था, लेबनान में था सर। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर था सर। वहाँ वीजा फ्रॉड के केस में वो फंस गया था, इसीलिए उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। उसके पासपोर्ट से सर मुंबई का एड्रेस मिला है, मैं अपनी टीम लेकर वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करती रहना। ओके सर। सर, आलोक के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक संजय और जानवी के रजिस्टर नंबर से उनकी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक नंबर है जिस पर उनकी बहुत बात होती थी। कौन सा नंबर? मानना पड़ेगा पूनम जी, आप सबकी आंखों के सामने रही, फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। काफी चालाकी दिखाई है आपने। अब बताइए कितने मर्डर है इस कहानी में, और ऐसा आपने किया क्यों? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। सर मैं और जानवी तो सिर्फ 16 साल के थे, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। और तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये देखो उस कंडक्टर का फोन है, मैंने चुरा लिया। अब इसमें से मैं सारे फोटोज डिलीट कर दूंगा। सर सच तो ये था कि उसने फोटोज कभी डिलीट ही नहीं किए, लेकिन हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि उसकी मानसिकता कितनी विकृत थी। फिर एक दिन अचानक से आया और ब्रेकअप करा और चला गया, और फिर जानवी ने भी शादी कर ली। हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर 12 साल बाद
यानी कि आज से 4 साल पहले संजय अचानक से एक दिन पूनम पूनम जाना नहीं मुझे संजय अच्छा मेरी हालत देख के चौंक गई होगी ना क्या ना लाइफ में थोड़ा डाउन चल रहा हूँ मैं बाहर गया था ना रिपोर्ट हो गया वहां से कुछ भी नहीं बचा मेरे पास में लेकिन पूनम तू मदद कर सकती है मेरी वो सच में मेरा पापा नहीं है और जानवी भी मेरी मम्मी नहीं है संजय मुझसे चोरी करवाता था हम इधर मुंबई की सड़क पे मिले थे मेरा और कोई नहीं है फिर एक दिन हमें जानवी मम्मी मिली उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया अभी संजय कहाँ है और तुम्हारी जानवी मम्मी वो कहाँ है अभी फिर मैंने मुंबई ही छोड़ दिया और यहाँ कानपुर आ गई मैंने सोचा कि वो मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा लेकिन अचानक अभी 1 महीना पहले जानवी मेरे ऑफिस आई कुछ प्रोडक्ट का डेमो करने नहीं नहीं ये गलत लाइन लिखी है हम बताते रुको दया एक्सक्यूज मी जानवी पूनम तुम क्या तुमने संजय से शादी कर ली हाँ ये सब क्या कह रही हो तुम जानवी यही सच है मैडम मैं कुछ और बोलेगा ना तो वो संजय मुझे जान से मार डालेगा तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा उस दिन संजय और जानवी मम्मी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी पूनम ने मुझे सब बता दिया तो तूने ही अनुज को वो सारे फोटोज भेजे थे जिसके वजह से मुझे मेरा बेटा और मेरा घर छोड़ना पड़ा जानवी तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि तुमने अपने पास की सारी बातें मुझे बता दी फिर ये क्या है छी मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है आज जिसने ये किया है कल उसने विहान को टारगेट किया तो संजय तूने तो मुझे छोड़ दिया था ना मैं क्यों किया ऐसा मेरी क्यों गलती थी तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं तुझे चाहता था हर हालत में और जब मैं वापस आया ना तो मुझे पैसे चाहिए थे जो डर के तेरे पति ने दे दिए प्रसाद में लगे हाथ तू भी मिल गई तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल छोड़ मुझे पुलिस स्टेशन चल मम्मी क्या देख रहा है क्या देख रहा है अगर किसी को कुछ बोलना ना तो तेरा भी यही हाल करूंगा चल चल के मदद कर मेरी फिर जानवी मम्मी को हमने जंगल में गाड़ दिया फिर वो चला गया पुलिस स्टेशन वहां जाके झूठ बोला कि जानवी मम्मी का किडनैप हुआ है फिर 1-2 दिन बाद कंप्लेंट वापस ले ली और फिर हमने वो घर छोड़ दिया और कानपुर में एक दूसरी जगह 1 महीना रुके फिर एक दिन अचानक उसने मुझे ट्रेन में बैठा दिया और मम्मी का मोबाइल दे दिया बोला कि ट्रेन में ही छोड़ देने का और फिर मैं मुंबई आ गया अपनी ये पुरानी खोली में अभी संजय कहाँ है वो इधर ही मुंबई में ही इधर छुपा बैठा है लेकिन उसने आके ऐसे कैसे कबूल कर ली तो बताया तूने सबको जानवी को तेरे साथ भी वही करूं जो उसके साथ किया है क्या किया तुमने जानवी के साथ देखो संजय मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है पर पैसे मांगे मैंने पैसे मेरे को यहाँ जॉब करनी है अब तक साला ये सब करता रहूंगा मैं क्या मेरे के सामने आना है मेरे को कैसे भी करके मेरा काम कर तुम एक काम करना संडे को मेरे ऑफिस आ जाना हमने ऑडिशन रखा है मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए फिर मैंने मेरे मुंह बोले भाई आलोक की हेल्प ली मुझे आलोक को मेरी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताना पड़ा फिर हम दोनों ने मेरी परफॉर्मेंस देख के आपके बॉसेस इंप्रेस हो जाएंगे
शुरू करो चलो चलो चलो। आई एम रेडी। ठीक है चल कैमरा शुरू कर। रेडी सर? या एक्शन। मैं संजय त्रिपाठी आज आपके लेकर आया हूँ इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर, 5 बनारसी सिल्क की साड़ियाँ। और ये साड़ी की सारी साड़ियाँ आपको मिल रही है सिर्फ 999 रुपए में। ओके कट। क्या सर, बहुत अच्छा शॉट था। अरे शाम, अरे सुन ना, वो मलिक सर का फोन आया था। तो अब यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। अब बताओ तुमने जानवी के साथ क्या किया, कहाँ है वो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कहीं तुमने उसे बांध कर फेंक दिया? वैसे कुछ और करने की ना तेरी औकात भी नहीं है। सच जानना चाहती है तू? सच जानना चाहती है? फिर संजय ने सीना ठोक के कहा कि उसने जानवी को मार दिया। पहले मैंने उसकी फोटो ना उसके पति को दिखाई, उसे पैसे लिए, और हाँ मैंने अपनी बीवी जानवी को मार डाला। संजय को नहीं मालूम था कि कैमरा चालू है। फिर आलोक ने आप लोगों के पास आकर झूठ बोला मेरे लिए। आपने दो गलतियां की। पहली गलती कि 16 साल पहले आपने पुलिस कंप्लेन नहीं की, जिसकी वजह से जानवी की जान गई। और अब आपके अर्धसत्य की वजह से आपके भाई आलोक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बोल। सच तो यह है कि मैं अब भी उसे चाहता हूँ। प्यार करता है? और उस बच्चे का क्या जो तुझ पे इतना भरोसा करता था, तेरे साथ रहता था? कौन, ब्रिक? अरे वो लौंडा ईंट की बट्टी से 1 फीट की दूरी पे पैदा होके भी बच गया था। वो नहीं मरेगा, जिसे मार रहा था ना उसे मैंने मार दिया। आलोक को मैंने मारा, पूनम बची है अभी, उसे भी मार दूंगा। जानवी शिक्षित थी, समझदार थी, फिर भी वो संजय की असलियत नहीं समझ पाई। वो संजय जिसने एक बार नहीं 2 बार जानवी को धोखा दिया था। एक बात तो निश्चित है, अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपको धोखा दिया, तो उस रिश्ते को छोड़ देने के बाद दोबारा उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, क्योंकि लोगों की फितरतें आसानी से बदलती नहीं है। भरोसा सत्य के साथ शुरू होता है तो असत्य के साथ खत्म भी होना चाहिए। अंधा विश्वास नहीं करते रहना चाहिए, लेकिन परेशानी तब बहुत बढ़ जाती है अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई ना हो जिस पे हम भरोसा करके बेझिझक उससे दिल की बात कर सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। यही जानवी के साथ हुआ। जानवी के जीवन में ऐसा कोई था ही नहीं जिस पे वो आंख बंद करके भरोसा कर पाए, और जब उसने भरोसा किया तो वो आदमी गलत निकला। जाने अनजाने में की हुई गलती की सजा जानवी को बकायदा मिली। जानवी के अतीत ने जानवी के आज को बर्बाद कर दिया। अपने 12 साल के बच्चे की मदद तो दूर, वो खुद को नहीं बचा पाई। मगर क्या अपनी हालत की जिम्मेदार खुद जानवी थी? क्या वो अपने दिल की बात किसी से कहना नहीं चाहती थी? हम में से कई औरतें अपने आप को स्थिति में पाती हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर में हमारे समाज में औरतें डर की जिंदगी बिताती हैं। खुल के बात करना, अपना वक्तव्य सामने रखना बदतमीजी माना जाता है। ज्यादातर औरत को जीवन में अनुज जैसा पति ही मिलता है जो आवाज उठाने की जगह आवाज दबाने की कोशिश करता है। लेकिन औरत हमेशा एक आदमी में अपना सहारा क्यों ढूंढती है, उस पे निर्भर क्यों रहती है? औरत सर्वशक्तिशाली है, औरत सक्षम है। मेरी हर औरत से गुजारिश है कि अपनी शक्ति को समझे, सुदृढ़ बने, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करें। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।